आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभु वर पाने कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी कैथलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत क्लिस्तुम प्रथम, संत पिता और शहीद के रूप में उनकी स्मृति करते हैं और उन्हें याद करते हैं। संत क्रिस्तुस प्रथम निरंतर प्रभु येसु के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे और उन्होंने अपने आप को प्रभु के वचनों से जोड़ते हुए, प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए उन्होंने एक शहादत को अपनाया। वे प्रभु के शहीद के रूप में अपने आप को स्वीकारने के लिए तैयार हो गए। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे ही समाज में कई ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु के नाम के कारण अत्याचार सहते हैं। कई बार जब हम इन अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, यह अत्याचार ना केवल हमारे साथ में शारीरिक रूप से होता है बल्कि मानसिक रूप से भी होता है। कई बार हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है जब हम प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं, जब प्रभु के वचनों को बांटते हैं। कई प्रकार से हमारे साथ में भी ऐसा अत्याचार होता है। आज हम सभी क्रिस्ती विश्वासी भाई बहन एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम प्रत्येक क्रिस्ती विश्वासी के लिए प्रार्थना करें, प्रत्येक उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो क्रिस्त में अपनी भक्ति दर्शाते हैं, क्रिस्त भक्तास कहलाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए, प्रभु की महिमा गाते हुए, प्रभु की प्रशंसा करते हुए, अपने सारे पापों को स्वीकार करते हुए, प्रभु के सामने नतमस्तक होते हुए, उससे अपने विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए प्रार्थना करें। कुशन हम हमारे परिवार के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे समाज के लिए एवं हमारे उन भाई बहनों के लिए जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें और उनको हमारी इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से समर्पित करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से सब दूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करे, हे ईश्वर तूने संत पिता क्लिस्तुस प्रथम को कलीसिया की सेवा
और मृत विश्वासियों के प्रति विशेष श्रद्धा का प्रचार करने के लिए बुलाया था। इनके सुदृढ़ साक्ष्य द्वारा हमें यह वर दे कि हम मृत्यु की दासता से मुक्त होकर अविनाशी विरासत प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 21 से 30 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मनुष्य संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त हो जाता है। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्याय प्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुसार पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्याय प्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त कर देता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण, क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने वाले लोगों को भी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है, मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। जय घोष, आलिलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आलिलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। हे शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली, तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी ना किसी कथन में दोष निकाल ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र वचनों में हमें यह बताया जाता है कि मनुष्य संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा पाप मुक्त हो जाता है। और जब हम अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं तो ईश्वर हमें अपने पापों से हमें मुक्ति प्रदान करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में और द्वितीय पाठ में, सुसमाचार पाठ में, हम यह पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु पूरी निडरता से उन शास्त्रियों फरीसियों को एवं वहां के लोगों को धिक्कारते हैं। प्रभु पूरे अधिकार के साथ में उन्हें धिक्कारते हैं, जैसा कि हम प्रभु के वचनों में पाते हैं कि प्रभु अधिकार के साथ में कहते थे। और वही कार्य है कि प्रभु निरंतर अपने वचनों के माध्यम से इन शास्त्रियों और फरीसियों को कई बार पॉइंट करते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि प्रभु उन्हें कुछ ऐसा चुबा रहे हैं कि वे उसे सहन नहीं कर पाते हैं। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग यीशु को पकड़ने के लिए, उनके ऊपर कोई सा भी एक दोष लगाने के लिए वे सिर्फ मौका ढूंढ रहे थे। वे प्रभु को चिढ़ाते हैं, प्रभु को टोकते हैं, प्रभु की शिक्षाओं को कई बार वे गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्रभु निडरता से उनको सबके सामने धिक्कारता था, हटकारता था। प्रभु उन्हें उनके कार्यों के लिए, जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए वह प्रभु उनसे बोला करता था। लेकिन कई बार शास्त्री और फरीसी प्रभु के ऊपर दोष लगाने के लिए सिर्फ मौका ढूंढते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में प्रभु के वचनों को इसी प्रकार से हम अनदेखा कर देते हैं। हम प्रभु के वचनों को हम धिक्कार देते हैं, हम उसको किसी ना किसी प्रकार से नीचा दिखा देते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु के आँखों के अंदर एक मूल्यवान है? क्या हम अपने आप को उस प्रभु के समक्ष लाकर उससे क्षमा मांगते हैं? जिस प्रकार लोग जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ा देते हैं तो नीचे खड़े हुए जो प्रमुख व्यक्ति लोग होते हैं वे कहते हैं कि निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
इस कोरोना काल में हमने हमारे कई सारे भाई बहनों को, माता पिताओं को, कई सारे ऐसे लोगों को खो दिया है जिनको हम कभी ना कभी जानते थे और पहचानते थे। आज कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मैं एक शॉप पर गया और उस शॉप पर मैं पहले भी जाता था, लेकिन जब मैं उस शॉप पर गया तो मैंने उस व्यक्ति की फ़ोटो के ऊपर हार लटका हुआ देखा। मैं चौंक गया और उनके बड़े भाई वहाँ पर थे, तो मैंने पूछा, भैया ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि यह कोरोना काल के अंदर भैया की डेथ हो गई है। यह एक बहुत ही शॉकिंग की न्यूज़ थी। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति दिखने में हष्ट पुष्ट और अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति, जो अपना काम एकदम ईमानदारी से कर रहा था, जो एकदम लोगों के साथ में जिस शॉप पे वो बैठता था वहाँ के सब लोग, आजू बाजू के सब शॉप वाले उसका बहुत उसका सम्मान करते थे, लेकिन जब आज मैं उसको देखा तो वो मुझे अचानक से बहुत हर्ट फील हुआ कि ये कैसे हो गया। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे आत्मदर्शन चैनल को भी कई हमारे भाई बहन देखा करते थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। वे अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से कई बार हमारे लिए प्रार्थना करते थे, और आत्मदर्शन चैनल को अगर आज इतनी ऊंचाइयां मिली है तो मेरा ये विश्वास है कि हमारे उन भाई बहनों को जो इस चैनल को रोज़ देखते थे, आज वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनको भी हमारे दैनिक प्रार्थना में याद करते हैं। कई भाई बहन हैं जो दैनिक रूप से हमारे इस चैनल को देखते थे, मिस्सा पूजा में भाग लेते थे एवं मिस्सा बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन आज वे इस दुनिया में नहीं है। हम उन तमाम भाई बहनों की मनोकामनाओं को, उनकी इच्छाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए, उस प्रभु पर विश्वास करते हुए कि हाँ, हमारा प्रभु हमें अनंत जीवन प्रदान करता है और हमारे इस कार्य को प्रभु अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु हम में यह पूर्ण करता है। क्या हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं? आइए क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को आज के सुंदर दिन में समर्पित करें। हम किसी को दोषी नहीं ठहराएं, बल्कि हम हमारे जीवन में उस प्रभु को स्वागत करें जो प्रभु निरंतर सत्य की डगर पर चला, जो प्रभु असत्य को अस्वीकारता है, जो प्रभु सत्य के लिए हमेशा हमें अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एवं प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। आइए क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु के वचनों पर समर्पित करें। भले ही हमारे पाप कितने ही गहरे क्यों ना हो, लेकिन प्रभु की दया हमें क्षमा प्रदान करती है। जिस प्रकार उस उड़ाऊ पुत्र को जब उसका पिता देखता है, जिसने कई सारे पाप किए थे, जिसने कई सारी गलत हरकतें की थी, कई सारे गलत उसमें गिर गया था, लेकिन वह जब अपने पिता के पास में आता है तो उसका पिता उसको हाथ फैलाकर उसको गले लगाता है। आइए क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु भी हमें गले लगाता है, हमारा प्रभु भी हमें बुलाता है। क्या हम उस प्रभु के पास में जाने के लिए तैयार हैं? आइए क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों, कुशन मौन रूप से हम प्रार्थना करें। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण समर्पण हमारे लिए जीवन की रोटी, समर्पण करूं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको? कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको?
को टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन, समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इस बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्ग की महिमा के सहभागी बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु येसु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग ते राही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता येसु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु येसु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ
कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, जबकि प्रभु की खोज करने वाले लोगों का घर भरा पूरा रहता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं, जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हो हो ला 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 ला। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 la 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 la।